नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसल सिग्नल का स्किनर बनाया है उसी का थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। और कल के लिए मतलब 18 मार्च 2020 के लिए मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी कमोडिटी इक्विटी फ्यूचर्स का बाय लेवल सेल लेवल दिखाऊंगा। पिवट पॉइंट, स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट, गन लेवल, पूरे ये सब लेवल दिखाऊंगा। और 100 डे स्ट्रेटजी, सेट द बार, NR4 NR7, कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाऊंगा। और तो वीडियो आप लोग अंत जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन रेगुलर बेसिस पे देता हूँ, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और बहुत सारा चार्ट स्ट्रेटजीज है, टेक्निक्स है, जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और ये जो फाइल है इसका कैसे स्क्रीनिंग करना है, हाउ टू स्क्रीन, और कैसे क्या क्या है, कैसे स्क्रीनिंग करना है, उसका वीडियोस भी आप लोग देख लीजिए। तो ये फाइल आप लोग को कैसे यूज़ करना है और इसमें क्या कितना इफेक्टिवली काम करता है, ये पार मेरा पार ये जो फाइल है इसका परफॉर्मेंस वाला वीडियोस भी आप लोग देख लीजिए। तो आप लोग को सुविधा हो जाएगा ये फाइल समझने के लिए। ये फाइल अडेप्ट करके आप लोग को स्टॉक मार्केट में आसानी से प्रॉफिट कमा सकता है। और इसका फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन होने का लिंक आप लोग को इसमें पूरा फाइल शेयर करता हूँ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पर, उसमें फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन होने का लिंक भी आप लोग को दिया यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को सॉरी मिल जाएगा। तो देखिए मैंने अभी इसको शुरू करता है। तो और जो लोग एलिस ब्लू, अस्टा ट्रेड, एप स्टॉक्स, एंजल बुकिंग में ज्वाइन होना चाहता है तो मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उसमें उधर से आप लोग आसानी से ज्वाइन हो सकता है। तो देखिए इधर तीनों बाय पहले तीनों सेट और बाय सेल लेवल दिखाऊंगा, बाय लेवल एंड सेल लेवल दिखाऊंगा। बाय लेवल एंड सेल लेवल वन में बाय का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट वन से टारगेट फोर बाएं तरफ रहता है, टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट दाएं तरफ रहता है, सेल का भी ऐसा है। और इसके बाद बाय सेल लेवल टू आएगा, यह है बाय सेल लेवल टू। इसका भी आप लोग इसमें भी आप लोग काम कर सकता है। इसके बाद बाय सेल लेवल थ्री, यह है बाय लेवल सेल लेवल थ्री। आर वन इसका बाय का एंट्री लेवल है, एस वन का सेल का एंट्री लेवल है। और इसमें गैप अप और गैप डाउन आप लोग कंसिडर कर लेना है, मार्केट ओपन होने के बाद कौन सा लेवल पे है वो देख लेना है, उसके बाद आप लोग को एंट्री लेना है। मैं आप लोग मेरा परफॉर्मेंस वाला वीडियो इसका जो परफॉर्मेंस वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें आप लोग को समझ जाएंगे कैसे लाए मैंने उसमें चार्ट में समझा कि कैसे इसको एंट्री लेना है। और इधर पिवट पर स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट का वैल्यू नोट कर सकता है, इसमें भी आप लोग बाय सेल लेवल जैसा काम कर सकता है। बुलिंजर बैंड का मिड बैंड, अपर बैंड, लोअर बैंड का वैल्यू नोट कर सकता है, प्राइस चैनल का वैल्यू भी नोट कर सकता है, अपर बैंड, मिड बैंड, लोअर बैंड का इसमें भी आप लोग काम कर सकता है। और टीरल लेवल का वैल्यू आप लोग नोट कर सकता है, टॉप लाइन, मिडिल लाइन, बॉटम लाइन, इसमें भी आप लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस देखता है। इसके बाद मैंने गन लेवल दिखाऊंगा, गन एंगल का लेवल्स, ये गन एंगल का रेजिस्टेंस है, मतलब इसका ऊपर जाने का मतलब बाई का लेवल्स है। और ये है सपोर्ट का लेवल, ये सेल का सेल का लेवल्स है। ये है गन स्क्वायर का, ये जो है गन स्क्वायर ऑफ नाइन का वैल्यू है, ये इसमें भी आप लोग काम कर सकता है। और ये है मूरेस मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसमें ये आप लोग को क्या है, इसमें हाईएस्ट और लोएस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, हाईएस्ट रेजिस्टेंस और लोएस्ट सपोर्ट का इसका पहले वैल्यू मिलेगा, उसके बाद आप लोग को देख लेना है कि ये कौन सा लेवल पे है। जैसे उसमें आप लोग को ट्रेंड भी पता चलेगा, सोच लीजिए 523 का नीचे है तो 517 के लिए देखना पड़ेगा, 512 के लिए देखना पड़ेगा। और नहीं तो सोच लीजिए मार्केट 517 और 523 का बीच में है तो आप लोग को 518 या 520 में है तो आप लोग को 523 में यह देखना पड़ेगा, 523 के ऊपर आप लोग को 529 के ऊपर 534 ऐसे करके आप लोग को ये लेवल दिखाएगा। और इसमें कौन सा डिग्री पे है और कितना टाइम प्रोबेबल चेंज इन टाइम, कितना टाइम पे ये इसका रिवर्सल आ सकता है, इसका भी आप लोग टाइम नोट कर सकता है। ये मिनट और घंटे में ये दिया हुआ है, मतलब लास्ट सेशन से जो लास्ट मार्केट बंद होने के बाद जितना समय लगता है इसका वैल्यू दे सकता है, आप लोग वो भी ऑब्जर्व कर सकता है, उसके हिसाब से आप लोग
एंटिसिपेट कर सकता है कि कब इसका रिवर्सल आएगा। और ये इसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ। निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑलरेडी मैंने एक लेवल दिखा दिया, मतलब यूट्यूब वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दिया, निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस में, एनालिसिस का जो वाला जो वीडियो है उसमें दे दिया है। इसमें भी आप लोग को कुछ लेवल दिखा दूंगा। इसमें क्या होता है कि आप लोग इसको ट्रैक कर सकते हैं, बहुत सारा लेवल जब एक एक करके आप लोग देखेंगे कौन सा लेवल पे है, कौन सा लेवल मैच कर रहा है, तो आप लोग को सुविधा हो जाएगा इसको ट्रैक करने के लिए। इसका भी आप लोग प्रोबेबल रिवर्सल पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, इतने इधर से कितने लास्ट सेशन से कितने घंटे में ये मतलब रिवर्सल आ सकता है, कितने घंटे किसी में घंटा किसी मतलब मिनट में मतलब इंटरडे का हिसाब से किया गया है। और इधर कमोडिटी का दिखा रहा हूँ अभी, जो लोग कमोडिटी करना चाहता है इसमें से आसानी से यूज कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया का तरीका से ये काम करता है। मैंने भी बहुत दिन से ऑब्जर्व किया हूँ, तो आप लोग भी देख सकता है करके, पहले ट्रेडिंग मतलब ऑब्जर्व करके देख सकता है, उसके बाद दे सकता है मतलब ट्रेड कर सकता है। ये आगरा दिन का जो वैल्यू है मतलब लास्ट एंड ऑफ द डे डाटा, अगला दिन का जो लास्ट एंड ऑफ द डे डाटा में है, इसके ऊपर जो कैलकुलेशन है बहुत ही अच्छे आसानी से काम करता, अच्छी तरीके से काम करता है। ये फ्यूचर्स का लेवल है, कुछ फ्यूचर्स का लेवल दिखाता होता हूँ। और मतलब ज़रूरत नहीं होता है कि लाइव मार्केट में टाइम टू टाइम अपडेट करने का, लेकिन जो लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे होगा और जो जो लोग मेरा सर्विस लेगा उसको मैंने टाइम टू टाइम लाइव मार्केट में अपडेट भी कर दूंगा। इसके अलावा ये फाइल जो के भी व्हाट्सएप में भी आप लोग को कॉल मिल जाएगा, किसी भी सेगमेंट में आप लोग चाहेंगे तो उसका लिए आप लोग को कॉल सर्विस मिलेगा। और इसमें 100 डे मूविंग एवरेज का स्ट्रेटजी दिखाता हूँ, जो आज का कैंडल को, आज का डेली कैंडल को, जिस स्टॉक्स का आज का डेली कैंडल को 100 डे मूविंग एवरेज काट किया है उसको हाई और लो जब तोड़ता है तो इधर इसका अच्छा मूवमेंट मिलता है। सोच लीजिए इधर भारतीय एयरटेल इसका काट किया है 100 डे मूविंग एवरेज आज का कैंडल को, तो इसका हाई और लो, हाई या लो कुछ भी, जब हाई का जब ब्रेक होगा तो बाई का एंट्री ले सकता है, लो का ब्रेक होगा तो सेल का एंट्री ले सकता है। बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है कैडिला हेल्थ। ये आप लोग, मैंने चार्ट पे मैंने नहीं दिखाता हूँ, चार्ट पे आप लोग कुछ चेक कर सकता है। हिंदुस्तान लीवर, आइडिया, ये सब है। और इधर और भी एक लेवल है, ये होता है गापी मूविंग एवरेज का लेवल। इधर जो शॉर्ट टर्म ईएमए और लॉन्ग टर्म ईएमए का ग्रुप ऑफ शॉर्ट टर्म ईएमए, लॉन्ग टर्म ईएमए और उसका एवरेज, और जो है इसका अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, एवरेज का अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड अब जो देखता है उससे ज़्यादा डाउन ट्रेंड दिया। इधर येस बैंक का सॉलिड अप ट्रेंड दिखा रहा है। और इसके बाद कैंडल स्टिक पैटर्न और इन सब के बाद कुछ दिखाता हूँ। इसका कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ, पहले समझ समझा दिया होगा आप लोग। इधर देखिए, इधर अदन इवेंट में NR4 हुआ है, इधर 2 डे का हिसाब से इंसर्ट बार हुआ है अदानी पोर्ट में, इधर अमर राजा बैटरी में 2 डे का हिसाब से इंसर्ट दबार हुआ है, NR4 भी हुआ है। इसका सब जब कौन सा कैंडल आप लोग को ये पता है, होपफुल आप लोग को पता है कि कैसे इसको यूज करना है। मैं जस्ट कौन सा सिनेरियो बना है वो दिखा देता हूँ। इधर देखिए लगातार 3 दिन से लोअर हाई लोअर लोस बना है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में, आप लोग चार्ट में चेक कर सकता है। और इधर इन्वर्टेड हैमर, आप लोग जो लोग कैंडलस्टिक पैटर्न समझता है तो उन लोग को पता चल जाएगा इन्वर्टेड हैमर बना है अदानी पोर्ट में। और इधर